हेलो गाइस, आज हम अपने जायका होम किचन में बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस कांदा भाजी। बहुत से लोग इसे खाना पसंद करते हैं और बहुत से लोग इसे नहीं खाना पसंद करते। आज मैं इसे बना रही हूं क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ ये भाजी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं इसे मैंने अपने तरीके से कैसे बनाया है। देखिए, मैंने यहाँ कांदा भाजी ले ली हूँ और जो इसकी डंडी है इसको मैं अलग कर दूँगी। मैं इसकी सारी डंडी तोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। देखिए गाइज, मैंने इसकी सारी डंडी तोड़ दी हूँ और सारी डंडियों को मैंने अलग कर दी हूँ। अब मैं भाजी को दो तीन पानी से अच्छे से धो लूँगी। अब मैंने भाजी को अच्छे से धो ली हूँ। अब भाजी को मैं जाली वाली टोकरी में फैला के रख दूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए। मैंने यहाँ भाजी में डालने के लिए ले ली हूँ चॉप करी प्याज, चॉप करे टमाटर, सूखी मिर्ची और बारीक कटा हुआ लहसुन। अब मैंने गैस पे गन चढ़ा दी हूँ। अब इसमें मैं तेल डाल दूँगी, तेल को अच्छे से गर्म होने दूँगी मैं। अब यहाँ मैंने लहसुन को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसको डाल देंगे। अब इसमें हम सूखी मिर्ची डाल देंगे। ये मैंने 5 से 6 सूखी मिर्ची ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। थोड़ा इसे हम भून लेंगे। अब इसमें हम चॉप करी प्याज डालेंगे, इसे भी हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे हम भूनेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब इसमें हम डालेंगे चॉप करे हुए टमाटर, थोड़ा इसे हम नरम होने तक पका लेंगे। यहाँ पर गाइस, छत्तीसगढ़ में बहुत किस्म की भाजी खाना पसंद करते हैं, कई लोग खाते हैं और कई लोग नहीं खाते, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है हर किस्म की भाजी बना के खाना। अब टमाटर भी नरम हो गए हैं, अब इसमें हम कांदा भाजी डाल देंगे जिसे मैंने धो के रखी थी। इसे हम थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे चला के, उसके बाद इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब इसे हम धीमी आंच पर पकाएंगे और ढक देंगे। अब हम खोल के देख लेते हैं भाजी पकी के नहीं। अब इसको हम और चला लेंगे एक बार, फिर और धीमी आंच में ढक के रख देंगे। अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। अब इसे हम चलाते हुए अच्छे से इसे हम भून लेंगे ताकि इसका थोड़ा बहुत जो पानी है अच्छे से सूख जाए। अब स्वाद अनुसार आधा चम्मच इसमें हम और नमक डालेंगे। छत्तीसगढ़ में तो बहुत कुछ ऐसी किस्म की भाजियाँ होती हैं जिसे लोग खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और जो बाजू में बेल आइकन की बटन है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आप लोग मेरी नई नई रेसिपी देख सकें। अब गाइस, भाजी बहुत अच्छी तरह से भून गई है और पक चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं गाइस इंशाल्लाह एक और नई सिंपल रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइज़।